मैंगो पीनट सैंडविच, टेस्टी डिलिशियस इनोवेटिव सैंडविच जो आप एज अ स्नैक या एज अ ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये मैंगो का सीजन है और सीजनल फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने के लिए हम लेंगे हाफ कप चॉप्ड मैंगोज, डेढ़ चम्मच पीनट बटर, ये प्योर क्रंची पीनट बटर है, आप देख लीजिएगा जब भी आप खरीदें कि इंग्रेडिएंट में सिर्फ पीनट्स हो, उसके अलावा कुछ और ना हो, एक चम्मच जैगरी पाउडर, पिंच ऑफ सिनेमन, एक चम्मच चिया सीड्स, थोड़ा मॉइस्चर को सोक करेंगे, ओमेगा 3 प्रोवाइड करेंगे, फाइबर में रिच होते हैं, प्रोटीन में रिच होते हैं, तो एक हेल्दी रेसिपी है ये। मल्टीग्रेन ब्रेड लिए हमने 2 स्लाइसेस। तो चलिए अपने इस हेल्दी और टेस्टी से सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। आमतौर पर आपने बनाना पीनट बटर सैंडविच सुना होगा या फिर पीनट जेली सैंडविच सुना होगा, तो उसी को देखकर मुझे ख्याल आया कि हम जेली के बदले अगर फ्रेश फ्रूट्स यूज करें तो कितना अच्छा रहेगा। का मैंगो बहुत स्वीट है तो इसमें आप जैगरी को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा चाहिए या फिर आपको नेचुरल चाहिए तो जैगरी को स्किप कर दीजिए। जैगरी नहीं है तो हनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हनी को हीट अप नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं जैगरी को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको पहले एक बोल में ऐड करके उनका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो मैंने मैंगोज डाल दिए हैं, चिया सीड्स डाल दिए हैं, यह है सिनेमन। सिनेमन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू और मिठास होती है जो इस रेसिपी को अलग ही टेस्ट देगी। जैगरी पाउडर, अगर जैगरी नहीं है तो आप गुड़ को थोड़ा सा पीस के इस्तेमाल या फिर ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीनट बटर, घर पर पीनट बटर आप कैसे बनाएं उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वो रेसिपी देख सकते हैं और घर पर अपना पीनट बटर बना सकते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर लग रहा है। इसके अंदर मॉइस्चर होगा जो मैंगो से आएगा, स्वीटनेस होगा, बहुत सारा फ्लेवर होगा। तो अब हम इसे स्प्रेड करेंगे अपने ब्रेड स्लाइस के ऊपर। आप ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली ब्रेड ना खाएं, लेकिन हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में अगर आप एक बार खाएंगे, आपके स्टमक को, आपके टेस्ट बड्स को डिफरेंट चीज खाने को मिलेगी, साथ ही आप इससे थोड़ा सा टच में भी रहेंगे। जब भी आप बिल्कुल किसी फूड से टच में नहीं रहते हैं और कभी आपको खाना पड़ता है मजबूरी में, तो वो आपको सूट नहीं करता है। कीपिंग दैट इन माइंड, आई बिलीव वंस इन अ वाइल ऐसे चीजों में इंडल्ज होना इज नॉट बैड। तो इसे अच्छी तरह हम स्प्रेड कर देंगे, कॉर्नर्स में भी ध्यान से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करें, और स्प्रेड करने के बाद मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखूंगी। तो हमने स्टफिंग जो है अच्छी तरह फिल कर दी है। अब अगला जो स्टेप है, अगर आप चाहें तो हल्का सा दोनों साइड से ब्रेड की स्लाइसेस को ग्रीस कर सकते हैं ऊपर से, ताकि बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। अगर आप नहीं चाहते तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोस्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप तवे पर इस टोस्ट को सेक सकते हैं, दोनों साइड हल्का हल्का प्रेस करके मीडियम टू लो हीट पर। तो मैंने टोस्टर के अंदर अपनी ब्रेड को रख दिया है। ऊपर की साइड भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर दिया है, जो मैंने पहले ऊपर लगाया था उसे अपसाइड डाउन रखा है। मैं यहाँ पर ग्रीसिंग के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सो बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से ये है। अदरवाइज अगर आपको कोकोनट फ्लेवर पसंद है तो आप कोकोनट ऑयल से भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया। इसे बहुत ज्यादा भी गर्म ना करें, अदरवाइज मैंगोज जो है वो बिल्कुल मशी हो जाएंगे। तो जब हल्का सा ये ग्रिल हो जाए, थोड़ा सा टोस्ट हो जाए, तो उसे आप निकाल लीजिए। ये गरम था इसीलिए मुझे हल्का सा कट करने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये देखिए कितना टेस्टी और डिलिशियस लग रहा है। डू ट्राई दिस इनोवेटिव रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर्स और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं, दैट इज फूड फिटनेस एंड फन। तो आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ईट डिलिशियस फूड, still try to stay at home and stay happy. I'll be back very soon. Bye-bye.